पहले बड़ी खबर रांची से, यहां पर सीएम हेमंत सोरेन का आज कोल्हान दौरा, तो वहीं सरायकेला के खरसवां में सीएम हेमंत सोरेन का यह कार्यक्रम। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम की महिलाओं को सौगात देंगे। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में भेजेंगे 1,000 रुपए। तो रांची से खबर, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन का आज यह दौरा, तो वहीं सरायकेला के खरसवां में सीएम हेमंत सोरेन का यह कार्यक्रम। लगातार वो अपने इस कार्यक्रम के दौरान मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 1,000 रुपए उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। और ऐसे में आज भी वो मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भेजेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन का जहां आज कोल्हान ये दौरा रहेगा, तो वहीं इस दौरान वो मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भी भेजेंगे। तो ये ग्राफिक्स भी आप देख रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आखिर क्या कुछ रहने वाला है, ये लगातार देख रहे हैं। 43 लाख महिलाओं ने जहां एक और आवेदन किया है, तो वहीं 37 लाख ऐसी महिलाएं जिनके आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया। और उन्हीं 37 लाख जो महिलाएं हैं, अलग अलग जगह जब सीएम का एक कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पर जाकर के वो महिलाओं को खाते में 1,000 रुपए भेजने का ये काम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक दौरे पर हैं सीएम, और इस दौरान वो मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने का ये काम, इसके साथ ही साथ आज वो सरायकेला के खरसवां में एक कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे में और मैया सम्मान योजना से अगर हटकर बात करें, तो क्या कुछ सौगात वो जनता को देते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, आपको राज्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोल्हान के दौरे पर है, और कोल्हान के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत उन्हें आज लाभ देने वाले हैं। आपने देखा कि इससे पहले लगातार, चाहे वो दुमका की बात कर ले या फिर हजारीबाग की बात कर ले, पाकुड़ की बात कर ले, पलामू प्रमंडल की बात करें, लगातार मुख्यमंत्री बैक टू बैक लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और वहां की जो महिलाएं हैं उन्हें वो सौगात देने की काम करा रही थी। दरमियान आज कोल्हान की महिलाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा सौगात दिए जाएंगे, और इस कार्यक्रम के तहत तमाम जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में आज से 1,000 रुपए पर महीने, यानी हम कह सकते हैं कि सालाना 12,000 रुपए देने का वो काम करेंगे, जिसकी शुरुआत आज कोल्हान प्रमंडल के तमाम जो इलाके हैं उन इलाकों को महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। हालांकि देखिए इसकी तैयारियां 2 दिन से चल रही थी, तैयारियां पूरी हो गई है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोल्हान के दौरे पर पहुंचेंगे, और हाट गमरिया में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो स्थानीय सांसद है जोबा मांझी, इसके अलावा वहां के जो पार्टी के तमाम विधायक हैं, हाँ, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं कोल्हान दौरे के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें और रह सकती है, क्योंकि मैया सम्मान योजना के तहत की अगर भी अगर हम बात करें, तो महिलाओं को खासा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या एक महिला वोट बैंक के तौर पर इसको देख रहे हैं सीएम, और यही वजह है कि लगातार देखिए वो कार्यक्रम के दौरान मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में भेजने का एक कार्यक्रम वो जरूर रख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, ये वोट बैंक के तहत आप कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद झारखंड में एसएमई इलेक्शन है, और एसएमई इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री की जो सार्थक पहल है, जो उनकी इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन, उनके कार्यकाल में ये निर्णय लिया गया था कि झारखंड की जो वैसे महिलाएं हैं जहां पे उनको जो उनको सम्मान मिलनी चाहिए, जो उनकी जो वृद्धा पेंशन हो या फिर जो कह सकते हैं कि जो बालिक जो लड़कियां हों वो 21 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के बीच में वैसे महिलाओं का वो मददगार बने, ताकि उन्हें आने वाले दिक्कत में उन्हें कभी आने वाले समय में उन्हें कभी दिक्कत ना हो। तो ऐसे नीति को लेकर पहल एक सार्थक पहल की गई थी, और पहल के तहत मुख्यमंत्री की तरफ से ये महिला सम्मान योजना के तरफ से मैया सम्मान योजना का नाम रखा गया, और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत उन महिलाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है, और आर्थिक सहायता में प्रति माह 1,000 रुपए तमाम महिलाओं को दी जाएगी। और ये जो लक्ष्य है, ये 45 लाख महिलाओं को सम्मान राशि देने के लक्ष्य है, जिसमें 45 लाख महिलाओं की आवेदन आ चुकी है, और उस आवेदन के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन इलाकों में जाकर उन जिलों में जाकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं जहां पर उन महिलाओं की जरूरत है। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोल्हान के प्रमंडल में जितने भी जिले हैं, उन जिलों की महिलाओं को वो आज
जो सहायता राशि है उसके अकाउंट में आप डाली है। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि देखिए एक पूरी तैयारी की जा रही है, और जिस तरीके से क्या बीजेपी से कड़ी टक्कर मानकर चल रहे हैं, क्योंकि महिला चाहे हम वोट बैंक की बात करें या फिर लाभार्थी वोट बैंक की बात करें, ये आमतौर पर बीजेपी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीएम भी उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड की अगर बात करें, देखिए बिल्कुल कह सकते हैं अंकुर, क्योंकि ये महिला सम्मान योजना जिस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को जो सहायता राशि दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं राजनीति भी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इतनी बड़ी कह सकते हैं कि जो पहल है उस पहल को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि इतनी भारी मात्रा में जो राशि हर साल जो खर्च होंगे वो पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि झारखंड सरकार के पास उसकी फंड नहीं है ताकि वो लगातार इस योजना के तहत महिलाओं को वो राशि उपलब्ध करवा पाएंगे। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि राशि उपलब्ध को लेकर झारखंड सरकार की पहल शुरू हो गई है और लगभग अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को उनके अकाउंट में ये राशि आ चुकी है और बाकी अभी लगभग 45 लाख महिलाओं के अकाउंट में राशि आने हैं। बड़ी तादाद के पैसे इन्वेस्ट होंगे और वो राशि इन्वेस्ट होंगे, लेकिन सरकार के पास उतनी फंड नहीं है। इसी बात को लेकर लगातार झारखंड के जो बिल्कुल देखिए बड़ी तादाद यहाँ महिलाओं की, और ऐसे में तमाम कोशिश जरूर और एक बड़ी तैयारी भी जरूर सरकार की ओर से जरूर की गई है, हालांकि महिलाओं को लाभ जरूर मिला इसका। फिलहाल सूरज आप बने रहिएगा हमारे।